नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। माननीय श्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन स्कीम चलाई है, इसके अंतर्गत जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा है कि 55 रुपये से 200 रुपये के मासिक योगदान पर कामगार मतलब जो मजदूर है उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पर महीने के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्त जारी कर दी है। ये स्कीम 15 फरवरी 2019 से लागू होगी। योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशनर की मौत होने पर केवल उसका जीवन साथी फैमिली पेंशन का हकदार होगा, यानी ऐसी स्थिति में बच्चे पेंशन के पात्र नहीं हो सकते। अब देखते हैं किन किन को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वाले व्यक्तियों पर ये स्कीम लागू होगी, जैसे कि मजदूरी का काम करने वाले, लेबर पर काम करने वाले मजदूर आदि। इनमें घर में काम करने वाली रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कृषि कामगार, मोची धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल है। प्रधानमंत्री की इस स्कीम में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ कागजात होना अति आवश्यक है, जैसे कि आवेदक मतलब जो आवेदन करेगा उसका आधार कार्ड और उसी का ही बैंक खाता नंबर, और वह असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो और उसकी आय 15,000 प्रति महीने से कम हो। आइए स्कीम में बताते हैं किन किन को लाभ मिलेगा, किन किन को नहीं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपकी उम्र 18 से कम हो और 40 से ज़्यादा है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो सकते। मतलब कि जिन व्यक्ति की उम्र 18 से कम है और 40 से ज़्यादा है उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि आप पहले से ही किसी सरकारी अन्य पेंशन स्कीम का हिस्सा है तो तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपको किसी अन्य पेंशन मिल रही है तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री की इस योजना के अंतर्गत किस्त न देने पर क्या होगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मासिक किस्त अदा नहीं कर पाता तो उस सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति है। मतलब अगर अपन ने किसी महीने की जो पैसे पे नहीं किए तो अगले महीने में वो ब्याज के सहित उसको जमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस योजना के अंतर्गत 60 साल से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 60 साल से पहले जैसे पैसे निकालना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? इस योजना के तहत आपको कम से कम 10 साल तक पैसे जमा करना होगा। यदि आप 10 साल बाद पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका जमा हुआ पैसा और उस पर ब्याज लग कर वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने पैसे जमा कराया, अगर आप स्कीम का फ़ायदा लेना नहीं चाहते हैं 10 साल के बाद, तो आपको ब्याज के रूप में आपका अमाउंट पूरा मिल जाएगा। आप यही पैसा 60 साल के पहले निकालते हैं तब भी आपके द्वारा जमा किए गए पैसा और ब्याज के साथ आपको लौटा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मौत होने पर क्या होगा? किसी कारणवश उस व्यक्ति की मौत हो जाने पर जीवन साथी के बाद के पास इस स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। मतलब किसी कारण बस अगर उस व्यक्ति की जमा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी हस्बैंड या वाइफ रहेगा तो वो इस योजना को आगे चला सकता है। यदि पैसा जमा करने 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 वाले और उसके जीवन साथी दोनों की मौत हो जाती है तो इस दिशा में पूरी रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो वह सारा पैसा ब्याज के साथ वापस लेने का हकदार होगा। व्यक्ति की मौत हो जाने पर इस योजना का लाभ उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितना पैसा जमा करना होगा? प्रधानमंत्री श्रमधन योजना के अंतर्गत 18 से 28 आयु वर्ग के लिए आपको हर महीने 55 से लेकर 100 रुपये तक जमा करना होगा। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये कंट्रीब्यूशन न्यूनतम प्रकार होगा। आइए अब जानते हैं इस स्कीम का फ़ायदा किस किस उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो वह व्यक्ति 55 रुपये
पर महीने के हिसाब से बैंक में जमा करेगा और उतने ही पैसे सरकार 55 रुपये करेगी। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है तो वह 61 रुपये बैंक में जमा करेगा एक महीने के हिसाब से और उतने ही पैसे गवर्नमेंट करेगी। आप देख लीजिए नीचे 40 साल तक ये पूरा डाटा दिया गया हुआ है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आइए इसके बारे में जानते हैं। माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि बहुत ही जल्दी जल्दी पीएम श्रम योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से होंगे। जैसे ही आवेदन होना चालू होता है हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जमे उस घंटे को जरूर दबाएं। और